हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद बिन हैदरा एंड यू आर वाचिंग आई एम हैदरा एमबीएच। सो ये आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद इन लाइक 5000 अप टू 50,000। सो इस वीडियो का टॉपिक है 5000 से 50,000 के अंदर आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटी सी कोशिश लेकिन होंगे बड़े कामयाब। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, कमेंट भी करना है गाइस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। तो नंबर वन पे आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इडली डोसा, मिर्चियां भजिए, टी स्टॉल्स, हलीम, दही बड़े एंड क्लॉथ्स। तो हम सबसे पहले फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स की एज ऑफ नाउ अभी रमजान शुरू होने वाला है तो फ्रूट्स तो बिकेगा ही बिकेगा। बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में एज ऑफ नाउ समर का सीजन चल रहा है एंड रमजान भी है तो कोई भी फ्रूट आप खरीद के बेच सकते हो। बड़े बड़े मार्केट से परचेस करके आप अपने घर के आसपास या कहीं भी मस्जिद के पास या कहीं भी होटल के पास कहीं भी लगाओ, डेफिनेटली चलेगा। अगर आप चीप एंड बेस्ट में अगर कोई करना चाह रहे हो तो बिजनेस, अभी समर का मानसून चल रहा है तो वाटरमेलन मैं सजेस्ट करूंगा। वाटरमेलन मार्केट में आपको 5 से 7 रुपए के किलो में मिलेगा होलसेल में एंड आप घर के पास लेकर आके 15 से 20 रुपए या 25 रुपए के आसपास बेच सकते हो, इजीली आपका बिजनेस चलेगा। सेकेंड थिंग, आपको वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल आप लेकर आओ घर के पास मार्केट से लेकर आओ, डेफिनेटली हर कोई खरीदेगा क्योंकि रमजान में सबके खर्चे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली हर कोई अच्छी से अच्छी चीज खाना चाहता है क्योंकि डिनर होता है एंड ब्रेकफास्ट होता है वो 4 PM एंड डिनर होता है शाम में, तो 2 टाइम खाते हैं लेकिन अच्छा खाते हैं। थर्ड हो गया इडली डोसा। इडली डोसे का बिजनेस 101% चलेगा आप कौन से भी सीजन में डालो, स्पेशली अगर रमजान में अगर आप डाल रहे हो तो सबको चटपटा मसाला खाने की आदत हो चुकी है तो वो रात में खाना बेहतर समझेंगे। तो अगर आप वो लगाओगे, रात से स्टार्ट करोगे तो आप 4 बजे तक आप बिजनेस रन कर सकते हो उसको, इजीली आपके पास से हर कोई खाएगा इडली डोसा वड़ा कोई भी कोसा भी। ये तो आप अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहे हो तो गाइस कर लो। चौथे नंबर पे आता है मिर्चियां भजिए। हर कोई रोजा खोलने के बाद मिर्चियां होना ही होना है और मिर्चियां और भजिए की, तो मिर्चियां आपको मार्केट से मिल जाएंगी, बेसन आपको मार्केट से मिल जाएगा, बेसन को मिक्स करना है एंड मिर्ची एंड भजिए, आलू के भजिए, आलू लेकर आए इसको स्लाइड करें, देन उसके बाद जो भी रेसिपी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देन वो भी रन होगा क्योंकि सबको चटपटा खाने की आदत सी है तो वो डेफिनेटली खाएंगे और आपका बिजनेस रन होगा। एंड फिफ्थ थिंक हलीम तो आपको पता ही है क्योंकि जितनी आप अच्छी बनाओगे उतना आपके ऊपर है। 50,000 में ये हलीम का आप सेटअप कर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ चिकन की हलीम आप कर सकते हो तो आप एक बार कोशिश करके देखें, अगर नहीं भी हो रहा तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, थोड़ा बढ़के भी लग रहा तो बढ़ाइए, लेकिन मेरी मानिए 100-150 आदमी को तो आराम से खिला सकते हो, तो 100 प्लेट 200 प्लेट तो आराम से बेच ही सकते हो आप, राइट, उससे ज़्यादा ही बिकेगा। एक छोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं क्योंकि आई एम नॉट ए बिजनेस एक्सपर्ट। रमज़ान में कौन बड़े, दही बड़े, तो आप दही बड़ों का भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बेसन से बना होता है और दही का इस्तेमाल होता है और उसमें ज़ीरा और जो भी मसाले आप ऐड करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं। टी स्टॉल में आपको ज्यादा क्या लगता है, चाय पत्ती दूध, छोटी सी दुकान लेनी है उसको रन करनी है, धीरे 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 एक्सपैंड करिए, फिर एक बड़ी सी शॉप लीजिए, ग्रैंड ओपनिंग कीजिए, सक्सेस। लेकिन जितना मैं इजी बोल रहा हूँ उतना टफ है, थोड़ा बहुत आप कोशिश करोगे तो आपको इजी हो जाएगा, अगर आप सुन के आप खामोश बैठ रहे हो तो फिर टफ ही टफ है, आप स्टार्ट करिए। फिफ्थ हो गया क्लॉथ्स का बिजनेस आप कैसे करोगे, आप मार्केट में जाओ या कोई भी बड़ी मार्केट में जाओ, वहाँ पे आप होलसेल में माल उठाइए, जो भी स्टॉक आप उठा रहे हो लेडीज या जेंट्स आप अपने घर पे लेकर आके सेल कर सकते हो, डेफिनेटली रन होगा। या नहीं तो आप कौन सी भी छोटी मोटी शॉप लेकर आ शॉप में रख के आप सेल कर सकते हो, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो।
अपना खुद का बिजनेस अपने दम पे, तो देर किस बात की गाइस, स्टार्ट करने का, मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, रमजान मुबारक इन एडवांस।